चंद्रशेखर आजाद को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन पर हमला क्यों हुआ, आज चंद्रशेखर आजाद पे हुआ। उसके पहले अगर आपको याद होगा तो असदुद्दीन ओवैसी पर पत्थरबाजी हुई थी। आपको याद होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली में पथराव किया गया था। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट क्यों हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, यहाँ पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद खुलासा कर दिया कि बिना सत्तारूढ़ की शक्ति के बिना ये हमले नहीं किए जा सकते। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ये बात कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत हुआ है और उसमें बीजेपी का हाथ भी है। आखिर क्या कुछ कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, आप खुद ही सुनिए। लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि ये जिंदा है, तब वो वहां से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस ने काफी, पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं है। कितने लोग थे? तीन लोग थे, दो लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है, मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले SSP DM थे उनको भी लिखा। लेकिन DM साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया, चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने LIU के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार करें कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े, उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का, जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लव कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए, ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट जिसमें आपको मारने की वो की गई है, उसके अलावा ठीक है। देखिए, लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही हूँ जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया, मुझसे पहले बहुत मरे हैं। लेकिन उनकी, उनको कोई जान नहीं रहा था, मैं जब, मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात पे बात आगे बढ़ रही, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा, ये भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जब होश में आते हैं तो लगातार बीजेपी पार्टी को घेरते हैं। और ये कहा जा रहा है कि भारत देश में कानून की बात की जाती है, शिक्षा संस्कृति की बात की जाती है, संस्कार की बात की जाती है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। ये कहा जाता है कि ना शिक्षा में सुधार है, ना संस्कृति में सुधार है, और यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करें तो लगातार पत्थरबाजी हो रही है, बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। अब देखना यह पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद की इस बात को सुनने के बाद बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।